बच्चों चलते हैं मेंटल मैथ क्लास 8 के नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं हूं हरी सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल चलो कदम बढ़ाए। तो बच्चों इस सीरीज में हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 14, जी हां फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन हम कर रहे हैं, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर अब हम करने वाले हैं 41। ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ ये क्वेश्चन नंबर हम 41 करने वाले हैं। ये देखिए तो लिखा फाइंड क्वेश्चन इफ डिविडेंड, ठीक है, इक्वल वाई स्क्वायर डिवाइजर है वाई माइनस फाइव एंड रिमाइंडर इज 25। तो हमें बच्चों क्या फाइंड करना है, क्वेश्चन फाइंड करना है। आइए मैं इसको इधर लिख लेता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41, तो हमें क्वेश्चन फाइंड करना है। तो यहाँ पर मैं ये पहले जो गिवन है वो लिख लेता हूँ। मैं पहले डिविडेंड है बच्चों यहाँ पर y स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगा, आप बने रहे। तो डिवाइजर है बच्चों यहाँ पर y माइनस फाइव, ठीक है, एंड रिमाइंडर है तो उसको भी लिख लेते हैं। रिमाइंडर है बच्चों यहाँ पर 41 में 25, ठीक है, ये 25 आ गया रिमाइंडर। तो हम इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले मैं आपको देखो बता देता हूँ क्वेश्चन हमें फाइंड करना है। मान लीजिए यहां पर मैं ये संख्या लेता हूं 7 और इसको मैं 2 से डिवाइड कर देता हूं, तो 2 3 जा यहां पर ये आएगा 6। ये डिवाइजर हो गया, ये डिविडेंड हो गया, ये क्वेश्चन हो गया और ये रिमाइंडर हो गया। हमें फाइंड आउट क्या करना है, ये हमें फाइंड आउट करना है, ठीक है। अब ये कैसे आएगा बच्चों, हमारे हमें तो ये गिवन है ना, हमें तो ये गिवन है कि ये डिविडेंड है, ठीक है। डिविडेंड क्या है, वाई स्क्वेयर है, और डिवाइजर क्या है, वाई माइनस फाइव है, और रिमाइंडर क्या है, 1 है। तो अब आपको ये आइडिया लगाना है, ये देखना है कि 3 कैसे आएगा। हमारे पास तो एक 2 है, एक 7 है, एक 1 है। तो हम करते क्या है, यहाँ से हम दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है, डिवाइजर को और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और उसमें क्या कर देते हैं, रिमाइंडर प्लस, तो हमारा डिविडेंड आ जाता है। यानी हमारा जो वाई स्क्वायर है ये आना चाहिए, कब आना चाहिए, जब हम डिवाइजर को, यानी डिवाइजर तो हमारा ये है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करते हैं किससे, कोशेंट से। तो मैं यहां पर कोशेंट की जगह क्यों लिख लेता हूं, और इसमें क्या प्लस करना है, रिमाइंडर प्लस करना है, रिमाइंडर क्या है 25, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से हम करते हैं। अब हमें क्या निकालना है, ये निकालना है, इस पे ध्यान देना है। तो सबसे पहले बच्चों यहाँ पर ये क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ये प्लस की फॉर्म में, तो सबसे पहले हम 25 को इधर ले आते हैं। इधर आकर ये किस चीज़ का हो जाएगा, माइनस का। तो ये मैंने 25 लिख दिया है और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ वाई माइनस फाइव और इधर ये क्यों लिख देता हूँ मैं, ठीक है, ये क्वेश्चन हमें फाइंड आउट करना है। अब यहाँ पर देखिए वाई स्क्वेयर और 25 को हम लिख सकते हैं बच्चों यहाँ पर 5 की पावर 2, ठीक है। तो ये y माइनस फाइव और इधर ये क्यों लिख लेता हूँ, ये क्यों कोशेंट। तो यहाँ पर ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है, तो क्या होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, ठीक है बच्चों, यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है। अब क्योंकि हमें कोशेंट फाइंड आउट करना है तो कोशेंट के साथ ये मल्टीप्लाई की फॉर्म में, इधर आकर डिवाइड की फॉर्म में आ जाएगा। तो वाई प्लस फाइव और ये फर्स्ट ब्रैकेट आ गया, ये सेकंड ब्रैकेट आ गया और यहाँ पर y माइनस फाइव, इस तरीके से हम ये निकाल सकते हैं। तो y माइनस फाइव से y माइनस फाइव डिवाइड हो जाता है, तो एक तरीके से क्वेश्चन हमारा क्या बचा, y प्लस फाइव, ये आपका आंसर आ गया बच्चों, ठीक है। ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 42। तो यहाँ पर बच्चों क्वेश्चन नंबर 42 करने के लिए उसको रीड कर लेते हैं। देखिए इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल 7, तो हमें फाइंड वैल्यू करनी है x स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो आइए मैं इसको लिख लेता हूँ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। यहाँ पर हम कर रहे हैं 42 और मैं इसको लिख लेता हूँ एक बार। इफ x माइनस 1 बाई एक्स इक्वल है 7 के, तो हमें जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है कि x स्क्वेयर और प्लस 1 बाई एक्स स्क्वेयर ये किसके इक्वल आएगा, ठीक है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर मैं ये लगा देता हूँ। तो बच्चों यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि हम क्या करेंगे, हम दोनों की स्क्वेयरिंग कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आइए
ये आ गया स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, मैं यहां पर लिख देता हूं स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, ये मैंने स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है बच्चों, इस तरीके से। अब यहां पर a माइनस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाना है, तो लगाना किसका, a माइनस बी स्क्वेयर का, और a माइनस बी स्क्वेयर इक्वल होता है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर और माइनस टू ए बी। ठीक है, ये इसके इक्वल होता है, तो आइए रख लेते हैं। तो x है ना, तो एक्स स्क्वेयर प्लस बी, बी क्या है वन बाई एक्स स्क्वेयर, इस तरीके से लिख सकते हैं। वन पे भी आप लगा सकते हैं, लेकिन वन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो वन ही आएगा, इसलिए मैंने एक्स पे लगा दिया। ठीक है, और माइनस टू ए बी, ए बी क्या है, ए तो है एक्स और बी क्या है वन बाई एक्स, तो एक्स से एक्स डिवाइड हो गया, और यहां पर सेवन को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा बच्चों 49। ठीक है, इस तरीके से। और हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो करनी थी एक्स स्क्वेयर प्लस वन बाई एक्स स्क्वेयर, और यहाँ पर 49 ये माइनस टू है, इसको इधर लेके आएंगे तो प्लस टू हो जाएगा, और जब हम इनको प्लस करते हैं तो आपका आंसर आ जाता है 51। जी हाँ, प्लस करने पे आ गया 51, ये आपका आंसर निकल गया। आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 43 भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ बच्चों, सॉरी इसमें जेड है, जेड प्लस वन बाई जेड, ठीक है, इक्वल 11, और हमें जो फाइंड करना है वो करना है जेड स्क्वेयर और प्लस वन बाई जेड स्क्वेयर। ठीक है, ये हमें फाइंड आउट करना है किसकी वैल्यू क्या होगी, बिल्कुल सेम ऐसे ही है। आइए करना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, जेड प्लस वन बाई जेड और इक्वल 11, तो हम क्या करें स्क्वेयरिंग कर देते हैं, यहाँ पर दोनों साइड में स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, अब हमें स्क्वेयरिंग क्यों करते हैं, क्योंकि जो वैल्यू हमें फाइंड करना है वो स्क्वेयर के अंदर, इसलिए हमने स्क्वेयरिंग कर दी। ठीक है, यहाँ पर तो जेड ए प्लस बी स्क्वेयर का फॉर्मूला लगाएंगे, तो ए स्क्वेयर, ठीक है बच्चों, प्लस बी स्क्वेयर, इस तरीके से लिख सकते हैं, और प्लस टू ए और ये बी। ठीक है, जेड से जेड कट गया यहाँ पर, और 11 को टू टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 121 आता है, ये इस तरीके से। तो हमें जो वैल्यू फाइंड आउट करनी थी वो जेड स्क्वेयर प्लस वन बाई जेड स्क्वेयर इक्वल 121, ये प्लस टू है, इधर आकर ये माइनस टू हो गया, और यहाँ पर जब इसको माइनस करते हैं तो आपका आंसर निकल आएगा, यहाँ पर माइनस कर लीजिए 119 आ गया बच्चों। ठीक है, ये आपका आंसर निकल गया। तो आपको ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर बच्चों यहाँ पर 44, आइए 44 कर लेते हैं। तो देखिए बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44 हम करेंगे, लिखा है एक्सप्रेस एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व एज प्रोडक्ट ऑफ टू एक्सप्रेशन, टू एक्सप्रेशन के इसमें इसको कन्वर्ट करना है। देखो आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 44, और मैं लिख लेता हूँ इक्वेशन को एक्स स्क्वायर प्लस सेवन एक्स प्लस ट्वेल्व। ठीक है, आपको इस क्वेश्चन को करने के लिए क्या करना होगा, इस ए को और इसी को मल्टीप्लाई कर देना है, तो 12x स्क्वायर आ गया, और जिनको मल्टीप्लाई किया है वो दोनों क्या है, प्लस की संख्या है, तो हमें दो नंबर लेने हैं, दोनों प्लस के होने चाहिए, मल्टीप्लाई करने पे तो आना चाहिए 12, और यहाँ प्लस प्लस करने पे आना चाहिए 7, तो वो नंबर आप मेरे को बताएं। जी हाँ, वो नंबर होंगे 4 और 3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे x है तो हम भी इनके साथ x लगा देंगे इस तरीके से। तो 4 3 12, x को x से मल्टीप्लाई किया तो एक्स स्क्वेयर आ गया, और प्लस किया 4x और 3x 7x आ गया नंबर, तो हमारे वो फैक्टर ये होंगे। तो हमें क्या करना है, 7x की जगह हमें ये फैक्टर लिखने होते हैं। तो यहाँ पर आइए करना शुरू करते हैं। तो एक्स स्क्वेयर पहले एक बार मैं इसे यू कैम लिख लेता हूँ, ये देखिए, अब हमें 7x की जगह इसके फैक्टर लिखता हूँ 4x और प्लस 3x प्लस 12, इस तरीके से। अब हम क्या करेंगे, हम पेयर बनाएंगे इस तरीके से, और इसमें से जो कॉमन नंबर है उसको बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि x आ रहा है तो x को बाहर निकाल लिए, यहाँ पर एक 1x बचा, इधर 4 बचा, क्योंकि x तो आ गया बाहर कॉमन की फॉर्म में, तो प्लस का साइन लगाना है, और यहाँ पर 3 की टेबल में 3 भी आता है,
और 12 भी आता, तो 3 कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर ये x बच गया, 1 जा 3 1 जा 3 होता है, और ये प्लस का साइन, और 3 के टेबल में कहाँ पे आएगा, 4 पे आएगा। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो x प्लस 3 और x प्लस 4, तो जो दोनों ब्रैकेट में सेम नंबर है उनमें से एक ब्रैकेट वाला नंबर लिखना है और एक को बाहर वाले को लिख देना है यहाँ पर। तो ये आपका आ गया, इस एक्सप्रेशन को हमने ये इसका क्वेश्चन इसका इस क्वेश्चन को सोल्व किया तो ये आंसर आ गया, और ये टू एक्सप्रेशन के फॉर्म में आ गया जो प्रोडक्ट के फॉर्म में है। ठीक है बच्चों, अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 45। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 करते हैं। यहाँ पर देखो सिंप्लीफाई लिखा है, बिल्कुल इजी है सिंप्लीफाई। आइए करना शुरू करते हैं सिंप्लीफाई। तो लिखा एक्स स्क्वेयर और प्लस वाई स्क्वेयर, ठीक है, और नीचे लिखा है यहाँ पर एक्स की पावर 4 और माइनस y की पावर 4। ठीक है, इस तरीके से आइए करना शुरू करते हैं। तो बच्चों कहने का मतलब ये है, यहाँ पर मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा कि जिस इक्वेशन के अंदर फॉर्मूला फिट होता है वही हमें करना है। ठीक है बच्चों, वही हमें क्या करना है, सोल्व करना है। तो आइए करना शुरू करते हैं। तो यहाँ पर बच्चों देखो, आइए मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, और यहाँ पर देखो यहाँ पर जो क्वेश्चन ये दिया हुआ है ये मैं आपको एक बार फिर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से, ठीक है, आइए। तो यहाँ पर बच्चों देखो y की पावर 4 है ना, तो हम इसको लिख ओ सॉरी x की पावर 4 है तो इसको लिख सकते हैं x की पावर 2 की पावर 2 इस तरीके से, माइनस y को भी लिख सकते हैं y की 2 की पावर 2। अब यहाँ पर इस पूरे को ना a मान लेना, ए स्क्वेयर माइनस इस पूरे को b मान लो, तो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ये इक्वल होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पर मैं इसको लिख लेता हूँ, तो किसके इक्वल होगा, ए प्लस बी। ठीक है बच्चों, एक तो ये होगा और एक इक्वल होता है ए माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो ये तो सेम नंबर आ, ये तो कट गया, ऊपर कुछ नहीं था, ऊपर वन रहता हमेशा, और यहाँ पर आ गया एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर। तो एक तरीके से आपका आंसर ये निकल गया। अगर फिर भी और फैक्टर करने हैं तो और आगे फैक्टर कर लेते हैं। यहाँ पर देखो एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, तो वही है ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो हम इसको लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई इस तरीके से। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया है। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 46। तो 46 को हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है। तो आइए देख लेते हैं इवेल्युएट। 9.5 मल्टीप्लाई 3.1.5 बाई 1 प्लस 3.5। ठीक है, बिल्कुल इजी है, आइए करना शुरू करते हैं। इवेल्युएट करना है यानी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो 9.5 और यहां पर इनटू लिखा है 3.1.5 सॉरी 3 प्लस है बच्चों, यहाँ पर 3 प्लस 1.5 और यहाँ पे डिवाइड में दिया हुआ है बच्चों 1 प्लस 3.5 इस तरीके से, आइए करना शुरू करते हैं। तो 9.5, ठीक है बच्चों, यहाँ पर अब हम इनको ऐड कर लेते हैं 3 और 1, इसको ऐड नहीं करना क्योंकि मल्टीप्लाई की फॉर्म है 3 और 1। ठीक है बच्चों, इसको हम क्या करते हैं ब्रैकेट से बाहर निकाल लेते हैं, ठीक है, क्योंकि ये ब्रैकेट के अंदर दिया हुआ है। ठीक है, आपने क्वेश्चन के अंदर देखा होगा, ये मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए ब्रैकेट के अंदर है ना, ये अगर ब्रैकेट के नहीं अंदर नहीं होता तो फिर हम इसको प्लस नहीं कर सकते थे, फिर हमें करना पड़ता मल्टीप्लाई। ठीक है, क्योंकि बोर्ड मास का नियम ये कहता है पहले मल्टीप्लाई करना है अगर साइन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर ऐड कर लेते हैं 3 और 1 4, तो 4.5 आ गया यहाँ पर, और नीचे भी हम इसको ऐड करते हैं ब्रैकेट में, तो 3 और 1 4 4.5 आ गया यहाँ पर, तो 4.5 से 4.5 डिवाइड हो गया, हमारा आंसर आ गया 9.5। तो ये आपका आंसर बन गया। ठीक है बच्चों, तो अब ये क्वेश्चन कैसा लगा मुझे कमेंट्स में ज़रूर लिखें। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 47। ठीक है बच्चों, यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पर हम क्वेश्चन नंबर 47 मैं लिख लेता हूँ। इवेल्युएट करना है यहाँ भी, क्या करना है इवेल्युएट देख लेते हैं, ये देखिए इवेल्युएट करना है। आइए यहाँ पर 7.4 की पावर 2 माइनस 2.6 की पावर 2, और इसको करना शुरू करते हैं। देखो ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो इक्वल होता है बच्चों ए प्लस बी और a माइनस बी। ठीक है बच्चों, यहाँ पर तो हम इसको क्या करेंगे एक बार ऐड कर देते हैं। ठीक है, a प्लस बी, तो 7.4 प्लस 2.6, और एक बार माइनस करेंगे
7.4 माइनस 2.6, ठीक है। अब इसको करते हैं ऐड, देखो 6 और 4 क्या होता है 10, 10 की 0, कैरी 1, आगे पॉइंट आ गया, 7 और 2 9, 9 और 1 10, ये आ गया, ठीक है। दोनों ब्रैकेट के बीच कोई साइन नहीं, तो मल्टीप्लाई। अब माइनस करना है, तो यहाँ पर बच्चों देखो 4 है ना, अब माइनस करने के लिए आप चाहे तो इस तरीके से भी माइनस कर सकते हैं ऐसे, तो यहाँ 4 में से 6 माइनस नहीं होंगे, तो 14 में से 6 माइनस करेंगे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा, ठीक है। आगे आ गया पॉइंट, अब यहाँ पे क्या रहा, यहाँ पे क्या रहा बच्चों, आपको यहाँ पे रहा 6, 6 में से 2 माइनस करो तो 4 आ गया, ठीक है, इस तरीके से। अब हमें करना क्या है, अब चाहे तो आप इसको डेसिमल हटा सकते हैं, ठीक है, क्योंकि डेसिमल के बाद जीरो है, तो इसका डेसिमल हटा दीजिए, इसमें हटाने की जरूरत नहीं है। अब 4.8 को हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ जाता है, पहले 1 से कर लो, 4.8 को 1 से करो तो 4.8 वन जा 4.8, लेकिन हम पॉइंट नहीं लगाएंगे, इसमें एक जीरो तो एक जीरो। अब देखो क्वेश्चन के अंदर वन डिजिट के बाद डेसिमल है, तो आपको वन डिजिट के बाद लगाना है, तो 48 आपका आंसर बन गया, ठीक है, ये क्वेश्चन निकल गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 48, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 में देखो लिखा है, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ y की पावर 3 प्लस y की स्क्वायर माइनस y प्लस 1 इफ y इज इक्वल 1, ठीक है, तो इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। आइए करना शुरू करते हैं, तो सीधा मैं इक्वेशन लिखता हूँ, y की पावर 3 प्लस y की पावर 2 और माइनस y प्लस 1, ठीक है। अब यहाँ पर लिखा है If y इक्वल 1, ठीक है, y की जगह हमें 1 लगाना है, 1 की पावर 3 प्लस 1 की पावर 2 माइनस 1 और प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करें तो 1 ही आएगा फिर भी, और लेकिन ये माइनस प्लस माइनस 1 हो जाता है और ये प्लस 1, तो माइनस प्लस, ठीक है, माइनस प्लस क्या हो जाते हैं, माइनस हो जाते हैं, ये तो हो गया, तो 1 और 1 2, ये आपका आंसर बन गया बच्चों, ठीक है, ये क्वेश्चन भी सोल्व हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 49, ठीक है बच्चों। यहाँ पर 49 भी बिल्कुल सेम है, यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है, इसमें जेड इक्वल है माइनस 1 के, ठीक है, तो आइए मैं इक्वेशन को लिख लेता हूँ, जेड की पावर 3 माइनस जेड की पावर 2 प्लस जेड और प्लस 2, ठीक है, यहाँ पर लिखा है इफ जेड इक्वल है माइनस 1 के, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, देखो सीधा लिखता हूँ मैं, जेड है ना यहाँ पे, तो जेड की वैल्यू क्या, माइनस 1, तो माइनस 1 की पावर 3 माइनस माइनस 1 की पावर 2 और प्लस माइनस 1, ठीक है, जेड की जगह माइनस 1 लिख लें और प्लस 2। अब देखो माइनस 1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें क्योंकि माइनस में, तो इसका आंसर माइनस 1 ही आएगा, और यहाँ पर माइनस 1 है, इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो माइनस का साइन बाहर है, तो ये आंसर आ जाएगा प्लस में, लेकिन ब्रैकेट खुलने के बाद माइनस का हो गया, ठीक है। अब माइनस प्लस माइनस और ये प्लस 2, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 3 और प्लस 2, तो माइनस प्लस माइनस होते हैं, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, लेकिन बड़े नंबर के सामने साइन की चीज़ का, माइनस का, तो माइनस 1 इसका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 50, यहां पर क्वेश्चन नंबर 50 को हम रीड कर लेते हैं बच्चों, इवैल्यूएट करना है, देख लिया आपने, आइए करना शुरू करते हैं। तो यहां पर बच्चों देखो, हो सकता है कि इसका आंसर गलत हो, लेकिन हम बिल्कुल ठीक तरीके से करेंगे, 7.2 इंटू 2.8 और यहां पर डिवाइड 10 माइनस 2.8 है बच्चों यहां पर, ठीक है बच्चों, आइए करना शुरू करते हैं। तो इसे यू कैन लिख लो पहले 7.2 इंटू 2.8, ठीक है। अब यहां पर 10 में से 2.8 को क्या कर देना, माइनस कर देना, आइए माइनस कर लेते हैं ये इस तरीके से, तो 2.8, ठीक है, यहाँ पे बोरो लेंगे 10, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2, यहाँ पे पॉइंट आ गया और यहाँ पे रह गया 9, 9 में से 2 माइनस करेंगे 7, तो यहाँ पर बच्चों आ गया 7.2, ठीक है, तो 7.2 से 7.2 डिवाइड हो रहा है और 2.8 ये आपका आंसर आएगा। अब इसके अंदर ये आंसर 2.8 है, लेकिन आपके जो मेंटल मैथ है उसमें 7.2 दिया हुआ है, हो सकता है कि वो मिस प्रिंट हो गया हो, लेकिन आपका आंसर ये निकलेगा। तो बच्चों ये क्वेश्चन सोल्व हो चुके हैं, आपको ये क्वेश्चन कैसे लगे मुझे कमेंट्स में जरूर लिखें, इसमें से सीख कर आप दूसरे बच्चों को जरूर सिखाएं, मिलते अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद।